भोपाल में हनी ट्रैप जैसा एक और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। एक कथित महिला पत्रकार ने कैबिनेट मंत्री के पूर्व ओएसडी को बलात्कार केस में फंसाने की धमकी दी। महिला ने खुद को पत्रकार बताकर पहले अफसर से दोस्ती की और उसके बाद उससे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी कई सारे पेंच नजर आ रहे हैं। भोपाल में एक बार फिर हनी ट्रैप जैसा मामला सामने आया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट के पूर्व ओएसडी डॉक्टर जीवन रजक को एक महिला ने रेप के आरोप में फंसाने की धमकी दी और इसके बदले में उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे। महिला ने रुपए नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। डॉक्टर रजक फिलहाल मंत्रालय में पीएचई विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने महिला के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में FIR दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि जांच में महिला द्वारा किए गए ऐसे और भी मामले सामने आ सकते। छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला ने उसको उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम यही था कि उन पर उन्होंने लगभग 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। वर्तमान में तो जांच जारी है, हमने उनसे भी इस तरह के साक्ष्य अगर कोई हैं तो उनसे मांगे हैं, तो जैसे विवेचना आती है तो उस हिसाब से। नहीं, अभी तक विवेचना में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी विवेचना की शुरुआत हुई है, तो जैसे जो जो चीज़ जानकारी मिलती है वैसे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।